अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ख़ज़ीन इलम देख रहे हैं। आज अरबों की तारीख़ व तमद्दुन के हवाले से किताब का तआरुफ़ पेश ख़िदमत है, जिसका उन्वान है तमद्दुन अरब, जिसको डॉक्टर गस्तावली बान एक फ्रांसीसी मुहक्किक की असल प्रिंट तसनीफ़ से शम्सुल उलमा सैयद अली बिलग्रामी ने बमाए तौज़ीहात व ख़वाशी मुफीदा उर्दू में तर्जुमा किया। दर मतबा मुफीद आम आगरा से 1898 ईस्वी में तबात की। ये 6 कुतुब और कई अबाब पर मुश्तमिल है। किताब अव्वल में जज़ीरे अरब, जुग्राफिया अरबिस्तान, हुदूद व रकबा, मरदम शुमारी, नशेब व फराज, पहाड़, नदियाँ, आबो हवा, अरबिस्तान की पैदावार, हैवानात, नबातात, मादानियात, विलायात अरब का दमाग इलम अरबिस्तान के मुतालिक इलम बहुत ही करीब ज़माने में हुआ। बाब दोम में अक्वाम अरब, लफ्स कौम का इलमी मफहूम, अक्वाम के तकसीम में खसाइस, कौम अरब की असलियत, अक्वाम अरब की मुख्तलिफ अकसाम, अरब जाहिलियत की फ़र्जी वहशियाना हालत, अरबों की ज़माने जाहिलियत की तारीख, अरबों का तमद्दुन ज़माने जाहिलियत में, अरबस्तान के कदीम मज़ाहिब, तमद्दुन अरब की बुनियादें, हज़रत रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरबों की हुकूमत की इब्तिदा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई उम्र, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत इस्लाम करना, हिजरत के बाद के वाक़ियात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़सायस ज़ाती और अंदरूनी ज़िंदगी, ख़ुलासा कुरान, फ़लसफ़े कुरान और कुरान के इशाअत, दुनिया में अरबों की फतूहात, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की हालत, आसा सल्लम के ज़माने में अरबों की मुल्कगीरी की खसूसियात, खुलफ़ाए राशिदीन, फतूहात अरब की मुख्तसर तारीख, अरबों की सल्तनत, अरब शाम में वो मुख्तलिफ असबाब मईशत जिनसे अरबों के मुख्तलिफ ममालिक मफतूहा में काम पड़ा, अरबों का तमद्दुन शाम में, इमारात जो अरबों ने शाम में छोड़ी, अरबों की हुकूमत बगदाद में, अरबों का मशरक तमद्दुन खिलाफत बगदाद के ज़माने में, अरबों की हुकूमत ईरान व हिंद में, अरबों की हुकूमत हिंदुस्तान में, मिस्र की हालत फतूहात इस्लाम के ज़माने में, अरबों का मिस्र को फतह करना, अरबों का तमद्दुन मिस्र में, वो इमारतें यादगारें जो अरबों ने मिस्र में छोड़ी, शुमाली अफ्रीका अरबों के ज़माने से पहले, अरबों का तसल्लत अफ्रीका में, वो इमारतें यादगारें जो अरबों ने शुमाली अफ्रीका में छोड़ी, फतूहात अरब से पहले अंदलुस की हालत, अरबों का तसल्लत अंदलुस में, अरबों का तमद्दुन अंदलुस में, वो इमारतें यादगारें जो अरबों ने अंदलुस में छोड़ी, हुकूमत सकीला व अतालिया, अरबों का तमद्दुन सकीला में, अरबों की फौजकशी फ्रांस में, जंग सलीबी की इब्तिदा, सलीबी जंगों के मुख्तसर वाक़ियात, मशरक व मग़रिब की बाहमी जंगों के नताइज, किताब चहारम में रसूम व निज़ामात अरब, कदीम अरबों की तर्ज मईशत, देहात के मतवस्तिन अरबों की तर्ज मईशत, देहात के अरबों की तर्ज मईशत, शहरों के अरब के इस रसूम व अवज़ा, अरबों के माशरत, अरबों के शहर, आयात और तकरीबात, मुख्तलिफ आदात, खेल तमाशे, मशरक की ग़ुलामी, अरबों की मुल्की और माशरती निज़ामात, अरबों के निज़ामात की बुनियाद, अरबों के माशरती निज़ामात, अरबों के मुल्की निज़ामात, मशरक़ी औरतों की हालत, मशरक में तदाद अज़वाज के रस्म के असबाब, इस्लाम का असर मशरक़ी औरत की हालत पर, अरबों की शादी, मशरक़ के हरम, मज़हब और अखलाक, मुसलमानों में मज़हब का असर, इस्लाम के मज़हब मुख्तलिफा व आमाल, इस्लाम का अखलाक, किताब पंजम में अरबों के उलूम के माखज़ान के उसूल तालीम व तहकीक, अरबों के इल्मी व अदबी मालूमात के माखज़, अरबों के इल्मी तहकीकात के तरीके, ज़बान अरबी, फ़लसफ़ अरब, अरबों का अदब, उलूम रियाज़िया, अरबों का इल्मियत, अरबों की तहकीकात इल्म जोग्राफिया, तबियात और जर्द सकील, कीमिया, इल्म कीमिया के बाहरी अरब में फ़नून व इक्तशाफात, इल्म हैवानात व नबातात व मादानियात, मुसव्वरी, संगतराशी, फ़नून हरफती, अरबों की सनाया के माहज, अरबी सनतों की तारीख व वक़्त, अरबों का फ़न तामीर, अरबों की तामीरात की बाबत हमारी मालूमात की असली हालत, अरबों की तामीर के खसाइस, अरबों के मुख्तलिफ इमारती यादगारों का बाहमी मुकाबला, अरबों की तजारत और उनके ताल्लुकात मुख्तलिफ अक़वाम के साथ, अरबों के ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ, अरबों के ताल्लुकात चीन के साथ, अरबों के ताल्लुकात अफ्रीका के साथ, अरबों के ताल्लुकात यूरोप के साथ,
عربوں کا یورپ میں تمدن پھیلانا اور اس کا اثر مشرق و مغرب پر، عربوں کا اثر مشرق پر، عربوں کا اثر مغرب پر، عربوں کے جانشین اور یورپ کا اثر مشرق پر، عربوں کے جانشین اندلس میں، عربوں کے جانشین مصر میں، اہل یورپ کا تسلط مشرق پر، عربوں کی ترقی و تنزل کے اسباب اور موجودہ حالت اسلام، عربوں کی ترقی کے اسباب، عربوں کے تنزل کے اسباب، عربوں کا مرتبہ تاریخ عالم میں، اسلام کے موجودہ حالات۔ اب ناظرین کچھ معلومات مصنف کے حوالے سے۔ ڈاکٹر کفستالی لیبان نے تمدن عرب کے لکھنے میں بڑا اہتمام کیا، انہوں نے تمام مشرقی ممالک اور اندلس کا سفر کیا اور مسلمانوں کے حالات اور اس کے معاشرت، عمارات اور آثار قدیمہ کو دیکھا۔ علاوہ اس کے کل دو کتابیں جو مسلمانوں کے بارے میں یورپی زبانوں میں لکھی گئیں، اس کا غور سے مطالعہ کیا اور اہم واقعات تاریخ اور معاشرتی کی بابت انہوں نے ایک بہت ہی بے تعصبانہ رائے قائم کی۔ انہوں نے واقعات تاریخ کی جانچ علوم طبعیہ کے اصول پر کی ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے ملکی اور جنگی تاریخ اسلام سے زیادہ بحث نہیں کی، واقعات کا سرسری ذکر کیا ہے اور ان کی اصل عرض مسلمانوں کے تمدن سے ہے۔ انہوں نے اول سے آخر تک اس تمدن تسلط کو نہایت تفصیل کے ساتھ ان مختلف ممالک کی تواریخ میں دکھایا گیا ہے جن پر عرب وقتاً فوقتاً بزور شمشیر قابض ہوتے رہے۔ اس کتاب کا مترجم شمس العلماء ڈاکٹر سید علی بلگرامی، ریاست حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے اردو زبان کے نامور مصنف، محقق، مترجم اور جامعہ کیمبرج میں مرہٹی زبان کے پروفیسر تھے۔ نصف درجن سے زائد محققانہ اور نہایت عالمانہ تصانیف یادگاریں چھوڑیں۔ مئی 1911 میں وفات پائی۔ ناظرین یہ کتاب کا پہلا حصہ کی تعارف ہے۔ دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم آپ کو کتاب میں وہ نایاب تصاویر شیئر کریں گے جو اس زمانے میں مختلف عمارتوں کے اور تمدن اور ثقافت کے حوالے سے لی گئی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔